मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाई अभिषेक कुमार। कुछ हम लोग नाउन के पार्ट्स पढ़ चुके थे और कुछ अभी पार्ट्स हमें बाकी है जो कि हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम लोग नाउन के बारे में बहुत सारी जानकारी मतलब कि जान गए थे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जानना ये है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, इनके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखिए नाउन, नाउन को यदि आपसे कोई पूछता है कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, कितने काइंड्स होते हैं, तो आप तुरंत बोल देते हैं 5। लेकिन ये गलत जवाब है। ठीक है, क्योंकि जो नाउन है, ठीक है, उसका काइंड्स बहुत से हैं, जैसे कि आपका नाउन एंड नंबर है, नाउन एंड केस है, ठीक है, नाउन एंड जेंडर है, तो ये सब आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये देखिए जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सामने में, देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑन कास्ट, यानी कि जाति के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑन कास्ट यानी कि जाति के आधार पर नाउन आर डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, नाउन को 5 भागों में बांटा गया, यानी कि जाति के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहला आपका है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका हिंदी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप हिंदी यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, थोड़ा जानकारी कर लेते हैं प्राप्त इसके बारे में कि व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो देखिए अ नाउन व्हिच डिनोट्स पार्टिकुलर यूनिक पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैसे नाउन, ठीक है, जो पार्टिकुलर हो, यानी पार्टिकुलर मतलब खास हो, यूनिक मतलब जो अकेला हो, एक हो, दुनिया में एक हो, ऐसे को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि कोई भी खास नाम, ठीक है, कैसा भी नाम हो, खास नाम हो, ठीक हो, यानी कि नामों में से ऐसा नाम जो खास हो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जांपल देख सकते हैं राम, ठीक है, द अर्थ, इंडिया, रामायण, होली, जनवरी, संडे, बिहार, ईडीसी, यानी ऐसे ही जो आपका खास नाम है उसको हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि हमें एग्जाम में, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भी गलती पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलती हो जाता है, जो कि इससे भी कुछ एरर बनता है प्रॉपर नाउन से भी, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन में एरर क्या होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज रिटन इन कैपिटल, यानी कि कहीं भी आपको यदि प्रॉपर नाउन दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, कैसा भी सेंटेंस हो, तो उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, वो कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन का, जो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड है, सॉरी फर्स्ट लेटर है, मतलब कि फर्स्ट में लेटर हो, सॉरी वर्ड जो है ये आपका प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है एक वर्ड है जो ये आपको कहीं भी दिखाई दे, शुरू में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, यानी कि सेंटेंस के कहीं भी हो, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे देखिए यहां पर रामू इज टीचिंग प्रकाश, यानी कि रामू प्रकाश को पढ़ा रहा है, यदि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जो पी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट क्या है, ये आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां भी है आपका कैपिटल है, यदि स्मॉल हो गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, जनरली प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक, सॉरी डू नॉट टेक आर्टिकल, यानी कि जो हमेशा जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन में, ठीक है, तो जो भी प्रॉपर नाउन है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन मतलब एक की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक ना, यानी एक से ज्यादा क्या प्रॉपर नाउन का, जैसे आप ऐसे मतलब समझिए कि जैसे कि आपका हो गया, एक मिनट, तो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, अब देखिए जनरली प्रॉपर नाउन, ठीक ना, डोंट टेक आर्टिकल, यानी कि ये आपका आर्टिकल का प्रयोग समांतर, ये जो भी प्रॉपर नाउन होता है समांतर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, उपयोग इसका नहीं करता, ठीक है, जैसे आई लिव इन पटना, यहां देख रहे हैं कि आई लिव इन पटना, यहाँ पर जो भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार का आपको प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल दिखाई दे रहा है नहीं, ये हमारा राइट होगा। बट ये देखिए आई लिव इन अ पटना, पटना क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले ए लग चुका है, इसलिए हमारा ये गलत होगा। ठीक है,
और एक है देखते हैं, प्रॉपर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा ठीक ना ऑलवेज वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ठीक है। तो बिहार इज अ स्टेट, ना कि बिहार आप कर देंगे, यानी कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो, अकेले है तो सिंगुलर होगा, यदि दो लोग एक साथ आए हैं तो प्लूरल होगा। ओके, एक और है जैसे कि आपका हो गया प्रॉपर नाउन, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है आपको, चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको दिख देते हैं आप ऊपर में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कैन नॉट बी चेंज इन प्लुरल प्लुरल फॉर्म, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम कभी भी उसको प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते, जैसे राम है, राम एस थोड़े लगा के उसको दो को कर दे, नहीं करेंगे, ठीक है। श्याम है, श्याम में भी एस लगा के हम उसको दो को नहीं कर सकते, क्योंकि श्याम नाम है, एक ही लड़का है, तो उसको प्लुरल नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन को हम लोग प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि कभी नाउन एरर आता है, यानी नाउन पर एरर आता है, तो आप इसमें प्रॉपर नाउन पर आप ये चार जो अभी बताए आपको, इन चारों पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें जो भी आपको गलतियां होना था बता दिया गया। इसमें जैसे ये था कि प्रॉपर नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन यदि प्लुरल कर दिया गया है तो वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो राइट क्या होगा, तो यहाँ पर सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे आई लिव इन बिहार, बिहार कर दिए, ठीक है। एक और सेंटेंस लिख रहा है, आई लिव इन बिहार, बिहार, सॉरी सर, बिहार, ठीक है। तो आप देखेंगे आई लिव इन बिहार, ठीक है, और यहां भी है आई लिव इन बिहार, तो आप कहिएगा ये गलत है और ये सही है, लेकिन ये भी गलत है, क्यों, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कहीं भी रहे फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल, इसलिए इसको कैपिटल कर दीजिए बिहार, अब जाके ये आपका राइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे स्लाइड में, अब कॉमन नाउन के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर नाउन तक देख चुके हैं, अब दूसरे स्लाइड में देखने वाले हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। चलिए कुछ स्टडी कर लेते हैं, जो हमारा नाउन का कुछ पार्ट बचा था। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कॉमन नाउन बचा है, ठीक है। कॉमन नाउन में पहले इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ए कॉमन नाउन, ठीक है। अ नाउन विच डिनोट्स होल कास्ट ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल मॉन्थ, डे, कैट, काउ, मोबाइल, इटीसी, ये सारे कॉमन नाउन है। यदि आप इनका प्रॉपर नेम रख देंगे, जैसे मॉन्थ हो गया, मॉन्थ में क्या क्या होता है, जैसे संडे हो गया, ठीक है, सॉरी ये आपका डे का है, ठीक है। जैसे आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ये हमारा इसका पर्सनल नेम है मॉन्थ का, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, बल्कि यहाँ पर जो मंथ है इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। उसी तरह डे है, डे भी होते हैं सेवन, संडे, मंडे, ये हमारा प्रॉपर नाउन होते हैं, क्योंकि ये उनका पर्सनल नेम है और खास है। लेकिन जब हम कैट का बात करेंगे, डे का, काउ का और मोबाइल का, तो ये सब आपका कॉमन नेम है, ठीक है, इसलिए इसको कॉमन कहेंगे, क्योंकि इनका नाम लेने से इनकी पूरी जाति का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हम कहेंगे मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो आपको जैसे ही मोबाइल की बात किया जाएगा तो आपको मोबाइल बहुत सारा है, दुनिया में जितना है सारे मोबाइल की बात हो जाएगा, ठीक
ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने एक मोबाइल का प्रश्न कुछ नाम रख दिया, ठीक है, और वो मोबाइल आपका भूल गया, आप उसका नाम पकड़ के बोलिएगा तो आपको इसका मतलब सबको समझ जाएगा कि आपको वही मोबाइल चाहिए, अदर दूसरा मोबाइल कोई नहीं चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा कॉमन नाउन के कुछ, हम लोग देख लेते हैं इसके कि इसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे लागू करेंगे, यानी कि इससे कैसे एरर आएंगे, ठीक है। जैसे हमने इसके पहला आपका स्लाइड में देखे थे प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है, इस तरह हम सेकंड स्लाइड में देख रहे हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कॉमन नाउन कैन बी चेंज इन प्लुरल फॉर्म, यानी कि यहां पर बात किया जा रहा है सिंगुलर से प्लुरल चेंज करने के लिए। तो यहां पर हम कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लुरल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्स का ऑक्सेन, वाइफ का वाइफ, फ्लाई का फ्लाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी हम लोग सिंगुलर टू प्लुरल बनाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसे कैट हो गया तो कैट्स कर देते हैं, तो उसी तरह क्यों नहीं यहाँ पर जो ऑक्स है, वाइफ है, फ्लाई है, इसका भी उसी तरह किया जाए। लेकिन नहीं, इसका एक रूल होता है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं नाउन एंड नंबर, जो जैसे ही ये आपका कास्ट के आधार पर जो आपका नाउन है समाप्त होगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वही आपका नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें कि होता क्या है। देखिए ये तो आपको एक्स्ट्रा में आएगा कि ऑक्स है तो इस ऑक्स में हो जाता है, लेकिन वाइफ जिसके लास्ट में एफ या एफ ही होता है उसको एफ या एफ ही को हटा कर भी एस करके पुनर बनाया जाता है। फ्लाई में यदि वाई के पहले, वाई के ठीक पहले यदि कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस करके पुनर बनाया जाता है। इसको हम लोग नाउन एंड नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इफ कॉमन नाउन इज सिंगुलर देन टेक्स सिंगुलर वर्ब इफ प्लुरल टेक्स प्लुरल वर्ब। यहां पर देखिए क्या समझाया जा रहा आपको कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वह सिंगुलर आपका वर्ब लेगा, यदि वह प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे माई बुक्स आर न्यू, यहां पर देखिए मेरा बुक्स यानी कि मेरी किताबें क्या है, नई है, तो किताब यहां पर मेरा क्या है, ज्यादा एक से ज्यादा है, प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लुरल वर्ब लिया है। जस्ट नीचे देखिए सेकंड एग्जांपल में माय कैट इज वेरी वीक, यानी कि मेरी बिल्ली बहुत कमजोर है। यहाँ पर जो इज है ये सिंगुलर वर्ब है और माय कैट मेरी बिल्ली एक बिल्ली है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया है, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर यहाँ पर आपका कॉमन नाउन है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। उसके बाद ये आपका तीसरा देख लेते हैं, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन कॉम्स इन द सेंटेंस देन आर टेक्स आर्टिकल्स। यहां पर आपको आर्टिकल्स लिखा गया, ठीक है। देखिए यहां पर ये समझाया गया है कि जब भी आपको सिंगुलर कॉमन नाउन कहीं भी दिखाई दे तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा। जैसे आई एम टीचर, आई एम टीचर यानी मैं शिक्षक हूं, ठीक है, ये कहना गलत है इंग्लिश में, ठीक है, यानी आई एम टीचर इंग्लिश में कहना ये गलत है, हमें यहाँ कहना है तो आई एम और टीचर बोलेंगे, क्योंकि टीचर एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और इसके पहले हम आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगाए थे, यहाँ पर लगाए हैं, इसलिए राइट है और यहाँ पर राइट नहीं है। दूसरे बात चलते हैं चौथा पर, इफ प्लुरल कॉमन नाउन कम्स इन द सेंटेंस जनरली डोंट टेक आर्टिकल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्लुरल कॉमन नाउन है जैसे काउच, ठीक है, टीचर्स, बॉयज, तो ये जो कॉमन नाउन्स होते हैं प्लुरल वाले, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग जनरली यानी सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे और कैट्स आर प्लेइंग, यहाँ पर देखिए कैट्स है, यहाँ पर ए है, ऐसे ये बताइए कैट्स का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा बिल्लियां हैं, और फिर हमने बोल दिया एक एक बिलियां, तो गलत बात है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ए का यूज हुआ है इसलिए रॉन्ग है,
और यहाँ पर कैट्स देखिए, इसके पहले हम किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। जैसे आपको बता दें कि सब लोग क्या करते हैं, कभी कभी आपको छोटा छोटा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ए एन छोड़ देते हैं, ठीक है, सबको लगता है कि छोटा सा एरर, नहीं ये एक बड़ा सा एरर है, ठीक है। कभी भी आपको इसी पर एक वीडियो आपको आएगा जो कि बहुत छोटा छोटा आपको सेंटेंस होता है उसके बारे में आपको मिलेगा कि इसमें हमें कहाँ ए एंड द का यूज करना है, ठीक है। ये अक्सर आपको जूनियर जो ऑक्सफोर्ड का जूनियर है, ठीक है, और बेसिक है, ई बुक में आपको मिल जाता है, ठीक है। पहले ही चैप्टर होते हैं वहां से एक से लेकर फाइव एक्सरसाइज तक, एक्सरसाइज नहीं मतलब उसका जो चैप्टर है फाइव चैप्टर तक ये सब आपको मिलता है इसमें कि ए एन का द का यूज कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। ये एक देखने में लगता है कि थोड़ा सा यानी छोटा एरर है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरर है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद कॉमन और हो चुका है कलेक्टिव, उसका मटेरियल, उसके बाद नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे या नाउन एंड जेंडर पढ़ेंगे, कोई भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है, और आप लोगों को मैथ का ट्रिक भी आता रहेगा, ठीक है। चलिए, ओके, गुड बाय।